हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के 3 इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी से क्वेश्चन दिया जाता है, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर, इन सभी जो 3 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, इनके विचारों से संबंधित बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम मुख्य रूप से गांधी जी के विचारों के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी का विचार जाति और धर्म पर क्या था, जाति और धर्म पर गांधी जी का दृष्टिकोण कैसा था, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जाति और धर्म पर गांधी जी के विचारों को बताएं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी व्यू ऑन कास्ट एंड रिलीजन। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में आप किन किन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। तो स्टार्ट करते हैं हम गांधी जी की ही एक कोट से, जो कि है कि जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो वह खुद में लेकर आओ। महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था कि द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड ब्रिंग इट योरसेल्फ। तो महात्मा गांधी का ये एक विचार है। महात्मा गांधी के बारे में महान वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। तो महात्मा गांधी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन के ये एक विचार है। इन्होंने कहा है कि फ्यूचर जनरेशन विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट सच अ मैन मेड ऑफ फ्लेश एंड ब्लड एवर केम टू अर्थ। तो आइए देखते हैं जाति और धर्म पे गांधी जी के विचारों के बारे में हम देखते हैं। गांधीज आइडिया नॉट ओनली इंस्पायर्ड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड बट आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड विथ एन एटीट्यूड ऑफ कंपैशन, टॉलरेंस एंड पीस। यानी कि गांधी जी को जो विचार था, गांधी जी का जो विचार था, वह दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि उनमें करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गांधी जी के जो भी विचार थे, जो भी उनके आइडियाज़ थे, इन्होंने सिर्फ भारतीय लोगों के बीच में ही करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण को उजागर नहीं किया बल्कि भारत के साथ साथ दुनिया को भी बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ही एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस थ्रू आउट हिज लाइफ एंड आल्सो मेड एन इनकम्पेरेबल कंट्रीब्यूशन टू द रेजिंग द वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। उन्होंने अपने समस्त जीवन में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया और साथ ही दुनिया भर में हाशिए के समूहों और उत्पीड़ित समुदायों की आवाज़ उठाने में भी इन्होंने अपना अतुलनीय योगदान दिया है। तो गांधी जी के बारे में ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। महात्मा गांधी इंस्पायर्ड द वर्ल्ड्स ग्रेट मोरल एंड पॉलिटिकल लीडर्स। यानी कि महात्मा गांधी ने विश्व के बड़े नैतिक और राजनीतिक नेताओं, जैसे कि कौन कौन से हैं, मार्टिन लूथर किंग हैं, नेल्सन मंडेला हैं, दलाई लामा हैं, तो इनके ये जो थे अलग अलग राजनीतिक नेता थे विश्व के अलग अलग देशों के, तो इन्हें, इन सभी नेताओं को इन्होंने प्रेरित किया। और उसके अलावा भी लैटिन अमेरिका, एशिया और जो भी मिडिल ईस्ट था, यूरोप था, तो इन सभी जगहों पर सामाजिक और जो राजनीतिक आंदोलन थे वो भी प्रभावित हुए गांधी जी से। गांधी वॉज नॉट ओनली अ लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी कि गांधी जो थे, ये केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता नहीं थे, बट हिज इम्पोर्टेंस आल्सो लाइज इन द मैटर ऑफ इंक्लूजन ऑफ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू इन पॉलिटिक्स एंड द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वॉज मेनली द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी। यानी कि गांधी न केवल भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे बल्कि उनका जो महत्व था राजनीति में धार्मिक दृष्टिकोण को शामिल करने के मामले में भी है। यानी कि राजनीतिक में धार्मिक दृष्टिकोण को भी शामिल करने में भी इनका योगदान देखा जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी जो थे वो एक रिलीजियस पर्सन थे। गांधी जी क्या थे, एक धार्मिक व्यक्ति थे एंड ही बिलीव द रिलीजन शुड बी द फंडामेंटल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। और उनका ये मानना था कि जो धर्म है ये राजनीति का मूल आधार होना चाहिए, धर्म जो है ये राजनीति का मूल आधार होना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। द रिलीजन हेयर मीन्स इन हिज व्यूज एज लव विथ ट्रूथ एंड ह्यूमिनिटी। और यहाँ जो धर्म का अर्थ है ये अलग अलग हिंदू मुस्लिम ये सबसे रिलेटेड नहीं है। गांधी जी के विचारों में धर्म का मतलब है सत्य और मानवता के साथ प्रेम के रूप में
एक दूसरे के साथ रहना। तो ये मानवता के साथ, सत्य के साथ, प्रेम के साथ, एक दूसरे के साथ रहना ही गांधी जी के विचारों में धर्म कहा गया है। तो वो केवल राष्ट्रीय आंदोलन के नेता नहीं थे, बल्कि उनका जो राजनीतिक में धार्मिक दृष्टिकोण भी शामिल करने में के मामले में भी इनका महत्व है। और राजनीति का जो आध्यात्मिककरण है वो मुख्य रूप से इसमें गांधी जी का ही योगदान था। और धर्म को राजनीति का ये मूल आधार मानते थे। और यहाँ पे गांधी जी के विचारों के अनुसार धर्म का अर्थ है सत्य और मानवता के साथ प्रेम। गांधी स्टडीड भगवद गीता एंड कंसीडर्ड इट एज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी बिकॉज वेन एवर ही वॉज इन फिक्स ही यूज टू स्टार्ट गीता पाथ। यानी कि गांधी जी ने भगवद गीता का अध्ययन किया और इसे आध्यात्मिकता को का स्रोत माना। गांधी जी ने गीता का अध्ययन किया और गीता को इन्होंने आध्यात्मिकता का स्रोत माना, सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो इसलिए क्योंकि जब भी वे ठीक होते थे, यानी कि जब वो फिक्स में रहते थे या अपने अच्छे समय में जब वो रहते थे, तो वो गीता का पाठ शुरू करते थे। गांधी लर्न द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी एंड वर्क एज वर्शिप टाइप ऑफ नेचर फ्रॉम गीता। यानी कि गांधी जी ने जो नैतिकता का सिद्धांत सीखा था और काम को प्रकृति की पूजा के रूप में इन्होंने सीखा, ये कहाँ से सीखा था? तो इन्होंने ये गीता से ही सीखा था। यानी कि गांधी जी जो थे वो भगवद गीता का अध्ययन किया और आध्यात्मिकता का स्रोत मानते थे वो भगवद गीता को, और जब भी उन्हें टाइम था वो गीता का पाठ करते थे। और जो मोरालिटी है या वर्क एज वर्शिप टाइप ऑफ नेचर, यानी कि जो हम काम करते हैं वो एक तरह से हमारा प्रकृति के प्रति पूजा है, इस सिद्धांत को भी, नैतिकता के सिद्धांत को और काम को प्रकृति की पूजा के रूप में भी सीखने का जो काम है वो गांधी जी ने कहाँ से किया था? तो वो गीता से ही किया था। गांधी स्टडीड सेवरल अदर होली बुक्स ऑफ हिंदुइज्म लाइक सांख्य, अद्वैत वेदांत बुक्स ऑन योग एंड बुक्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। यानी कि गांधी जी ने हिंदू धर्म की कई अन्य पवित्र पुस्तकों जैसे कि सांख्य है, अद्वैत वेदांत है, योग की पुस्तक है, और जैन और बौद्ध धर्म से जो भी संबंधित पुस्तकें हैं उनका भी इन्होंने अध्ययन किया था। इनफैक्ट ही अडॉप्टेड द एलिमेंट ऑफ नॉन वायलेंस फ्रॉम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड कंसिडर नॉन वायलेंस द सुप्रीम मोरालिटी। और यहाँ तक कि अगर हम देखें कि रियलिटी में वास्तव में इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म से अहिंसा का जो तत्व है, जो नॉन वायलेंस का उन्होंने मंत्र अपनाया था, वो जैन और बौद्ध धर्म से ही अपनाया था और अहिंसा को सर्वोच्च नैतिकता इन्होंने माना था। दीज बुक्स लेट गांधी टू एस्पाउज अ सेट इफ रिलीजियसली इंस्पायर्ड नॉर्म्स और प्रिंसिपल ऑफ पर्सन एंड कलेक्टिव कंडक्ट, फॉर एग्जाम्पल्स द वैल्यू ऑफ सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह एंड संभव। यानी कि ये जो सारी पुस्तकों को इन्होंने पढ़ा था गांधी जी ने, ये जो पुस्तक थे गांधी जी को व्यक्तिगत और सामूहिक आचरण के धार्मिक रूप से प्रेरित मानदंडों या सिद्धांतों, उदाहरण के लिए जैसे कि देखे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और संभव के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। यानी कि जो भी इन्होंने पुस्तक पढ़ा था, चाहे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो, जैन धर्म से रिलेटेड हो, गीता पाठ हो, सांख्य या अद्वैत वेदांत का स्टडी हो, ये सभी जो इन्होंने इनका अध्ययन किया था, इसके माध्यम से इन्होंने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और संभव का जो मूल्य है उसे अपनाने के लिए इन सभी किताबों से उन्हें प्रेरणा मिली। गांधी सा इन देम एन अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न वैल्यूज और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड वायलेंस। यानी कि ये सारी जो पुस्तकों को इन्होंने पढ़ा था गांधी जी ने, उनमें इन्होंने पश्चिमी मूल्यों या व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद और हिंसा के सिद्धांतों का विकल्प देखा इन सभी पुस्तकों को पढ़ने के साथ ही। गांधी कंसिडर डिफरेंट रिलीजन हैव डिफरेंट रूट्स, हैव सेम गोल ऑफ लव एंड ट्रूथ एंड रीच थ्रू दिस हिज एक्सपीरियंस दैट ऑल रिलीजन्स हैव सेम प्रिंसिपल एंड रिलीजन इज ए बाइंडिंग फोर्स अमंग द पीपल। यानी कि गांधी जी ने ये माना था कि डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट रूट्स, यानी कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग रास्ते हैं, हैव सेम गोल्स, और सभी अलग अलग धर्मों के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन उनका जो लक्ष्य है, उनका जो गोल है वो एक ही है। वो गोल क्या है? तो प्यार और सच्चाई। सभी धर्म के अलग अलग रास्ते हैं और सभी धर्म के जो रास्ते हैं उनका एक ही लक्ष्य है। रास्ते तो अलग हैं सभी धर्म के, लेकिन सभी धर्म का जो लक्ष्य है वो एक ही है, और वो क्या लक्ष्य है? तो प्यार और सच्चाई। और इस बात को इन्होंने किस माध्यम से जाना है? तो अपने अनुभव के माध्यम से इन्होंने जाना कि सभी धर्मों के सिद्धांत जो
जो हैं वो समान हैं। भले ही बहुत सारे धर्म हैं हमारे देश में, लेकिन सभी धर्मों का जो लक्ष्य है वो है प्यार और सच्चाई। और इन सभी बातों को उन्होंने कैसे समझा गांधी जी ने, तो अपने अनुभव के माध्यम से उन्होंने जाना कि सभी धर्मों का जो सिद्धांत है वो समान है, और जो धर्म है ये लोगों के बीच एक बाध्यकारी शक्ति है। गांधी बिलीव्ड इन सर्वधर्म समानत्व, विच मीन्स इक्वल फेथ फॉर रिलीजन एंड फेथ। गांधी जी जो थे, इन्होंने सर्वधर्म समानत्व में विश्वास करते थे। ये जो गांधी जी थे, ये जो थे, ये सर्वधर्म समानत्व में विश्वास करते थे, जिसका अर्थ क्या है कि धर्म और विश्वासों के लिए समान विश्वास। गांधी बींग हिंदू कंसिडर्ड हिंदुइज्म एज अ वे ऑफ लाइफ एंड नॉट अ मियर रिलीजन, एंड कंसिडर्ड एज द मोस्ट टॉलरेंट रिलीजन एज इट गिव स्कोप टू एवरी वन टू वर्शिप ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि गांधी जी तो हिंदू थे, और हिंदू होने के नाते इन्होंने हिंदू धर्म को न केवल एक धर्म बल्कि जीवन का एक नया तरीका मानते थे। हिंदू धर्म के मानने वाले थे गांधी जी या हिंदू थे, लेकिन इन्होंने जो थे ये हिंदुइज्म को या हिंदू धर्म को एक धर्म ही नहीं मानते थे, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका मानते थे, और उन्होंने इसे सबसे बड़े सहिष्णु धर्म के रूप में माना। सबसे बड़े सहिष्णु धर्म को हिंदू धर्म को गांधी जी ने माना, वो किस लिए? क्योंकि यह दुनिया के सभी धर्मों की पूजा करने के लिए सभी को गुंजाइश देता है। यानी कि अगर आप हिंदुइज्म हैं तो आप दुनिया के किसी भी धर्म को आप पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा करने के लिए आपको यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है। इस तरह से जो हिंदू धर्म है इसे सबसे टॉलरेंट रिलीजन या सबसे सहिष्णु धर्म गांधी जी के द्वारा माना गया है। अकॉर्डिंग टू गांधी द मेन एम ऑफ द रिलीजन इज स्प्रेड लव एंड पीस एंड मेक इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। यानी कि जब गांधी जी जो थे इनके अनुसार धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गांधी जी के अनुसार मेन एम ऑफ द रिलीजन धर्म का मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच प्रेम और शांति फैलाना, और मनुष्यों और भगवान के बीच बातचीत कराना, यानी कि मनुष्य और जो भगवान है इनके बीच में इंटरेक्शन पैदा कराना। गांधी हैज डीप डिवोशन इन गॉड बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट डिवोशन गिव्स द कैपेसिटी टू बियर द हार्डेस्ट सफरिंग। यानी कि जो गांधी जी जो थे इन्हें जो था वो ईश्वर में गहरी डिवोशन रखते थे, ईश्वर में इनका गहरा भक्ति था, क्योंकि वे समझ गए थे कि भक्ति जो है वो सबसे कठिन पीड़ा को सहन करने की क्षमता देती है। गांधी जी का जो था वो भक्ति में काफ़ी इनकी आस्था थी, ईश्वर में इनकी गहरी आस्था थी, और ये समझ गए थे कि भक्ति ही सबसे वो रास्ता है, भक्ति ही वो रास्ता है जिसके माध्यम से कठिन पीड़ा को भी हमें सहन करने की क्षमता मिलती है। पीपुल आर इंस्पायर्ड फॉर लव विथ ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी बाई डिवोशन ऑफ गॉड। यानी कि लोग ईश्वर की भक्ति से सत्य और मानवता के प्रेम के लिए प्रेरित होते हैं। ईश्वर की भक्ति करके लोग जो हैं वो सत्य और मानव के प्रति प्रेम के लिए प्रेरित होते हैं। According to him, a satyagrahi must keep faith in God so that he or she could refrain from bad activities and will be striving against the discrimination and exploitation in any form. यानी कि उनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार, एक सत्याग्रही को क्या करना चाहिए कि एक सत्याग्रही को ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। किस लिए? ताकि वह जो भी बुरी गतिविधियाँ हैं उसे दूर रह सके, और किसी भी रूप में भेदभाव और शोषण जो हो रहा है उसके खिलाफ प्रयास कर सके। ईश्वर में विश्वास सत्याग्रहियों को रखना चाहिए ताकि वह बुरी गतिविधियों से दूर रह सके, और अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव और शोषण किया जा रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके, उसके खिलाफ उसको बंद करने के लिए प्रयास कर सके। तो गांधी जी के बारे में, ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में उनकी ये सारी मान्यताएँ थीं। गांधी हैड वेरी रैशनल थिंकिंग विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन एज ही कंसिडर्ड रिलीजन शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ एंड आउटराइटली रिजेक्टेड दोज रिलीजन्स विच आर अगेंस्ट द ह्यूमन वैल्यूज एंड मोरालिटी। यानी कि गांधी जी जो थे वो धर्म के संबंध में इनकी बहुत तर्कसंगत सोच थी। वो क्या सोच थी? क्योंकि उनका ये मानना था कि धर्म को रोजमर्रा के ज़िंदगी की समस्या को हल करने में सक्षम होना चाहिए, और उन धर्मों को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया जो मानवीय मूल्यों और नैतिकता के खिलाफ हो। जो मानवीय मूल्य और नैतिकता के खिलाफ है उन सभी धर्मों को गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से खारिज कर दिया। और उनका ये मानना था कि जो धर्म है, धर्म के बारे में उनकी ये सोच थी कि जो धर्म है उसको रोजमर्रा के जो ज़िंदगी की समस्याएं हैं उसको हल करने में जो धर्म हमारा है वो सक्षम होना चाहिए। अब आते हैं कास्ट सिस्टम के प्रति। अब तक हमने देखा कि गांधी जी का धर्म के प्रति क्या विचार था, धर्म के बारे में उन्होंने क्या क्या
बातें कही हैं। उसके बाद हम देखते हैं जाति व्यवस्था जो है, जाति प्रथा है, इसके बारे में गांधी जी का क्या विचार था। द मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज कास्ट इटसेल्फ, यानी कि भारत में जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था के खिलाफ जो आंदोलन है वह लगभग उतना ही पुराना है जितना कि जाति, जितना जाति पुराना है उससे भी काफ़ी पुराना जो है वो जाति के प्रति, जाति प्रथा के प्रति जो विरोध है या आंदोलन है वो भी उतना ही पुराना है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेयर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट विच वेयर पार्टली एम्ड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे ये एक सुधारवादी आंदोलन थे, इनके द्वारा जो है आंशिक रूप से जाति व्यवस्था की के खिलाफ आवाज़ उठाया गया था, यानी कि जो भारत में जाति व्यवस्था है वो उतना ही पुराना है जितना कि जाति। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब उभर करके आया तो ये जो था एक तरह का सुधारवादी आंदोलन था, और सुधारवादी आंदोलन होने के साथ ही आंशिक रूप से ये जाति व्यवस्था के भी खिलाफ थे। उस समय देख रहे थे आपकी जब लेटर वैदिक का समय आया, उसके बाद महाजनपद काल आया, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पूरी तरह से उदय हो चुका था, तो उस समय जो था वो चार वर्णों में जो समाज है उसे बांटा गया था। वो चार वर्ण कौन कौन से थे, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और सभी के लिए अलग अलग काम दिए गए थे, तो सभी के लिए अलग अलग काम दिए गए थे। इस तरह से जो समाज है उसमें बहुत सारे विविधताएं पैदा हो रही थी, जैसे कि महिलाओं को मंदिरों में नहीं जाने देना, अलग अलग जो वेद पाठ होते हैं वहाँ पे शूद्रों को ना जाने दिया जाना, जो भी निचले स्तर के काम है वो निचली कास्ट के लोग उसके साथ करवाना, तो ये सारे जो विचार थे इसी को देखते हुए बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो था ये हर तरह के जाति के लोगों के लिए खुला कर दिया गया। किसी भी जाति के हों, कोई भी धर्म को मानने वाले हों, अब महिला हो या पुरुष हो, कोई भी उसको जाकर ज्वाइन कर सकता है, उस धर्म को मान सकता है। तो इस तरह से ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो था ये जाति व्यवस्था के खिलाफ कार्य किए हैं, कुछ बहुत इन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाया था। गांधी सेपरेटेड व्हाट ही कंसिडर्ड टू बी द इन एसेंशियल ऑफ द कास्ट सिस्टम फ्रॉम इट एसेंशियल, रिजेक्ट द फॉर्मर एंड डिक्लेयर द लेटर टू बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, यानी कि गांधी जी जो थे इन्होंने जाति व्यवस्था की जो भी अनिवार्यता है उसको अनिवार्यताओं से अलग कर दिया और पूर्व को खारिज कर दिया और बाद वाले को समाज के लिए फ़ायदेमंद घोषित कर दिया, यानी कि जो भी उसके जरूरी चीज़ें किसी भी धर्म को उसको उन्होंने अपना लिया और जो भी गैर जरूरी चीज़ें हैं किसी धर्म के उसको खारिज कर दिया और जो जरूरी चीज़ें हैं किसी धर्म के लिए उसको समाज के लिए फ़ायदेमंद घोषित कर दिया। ही टैकल्स द प्रॉब्लम ऑन थ्री फ्रंट्स, यानी कि तीन मोर्चों पर इन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए बताया, वो क्या है, अनटचेबिलिटी एंड इट्स अटेंडेंट स्ट्रक्चर, यानी कि अस्पृश्यता और इसकी परिसर संरचनाएं, द थाउजेंड्स ऑफ इंडोगैमस और सेमी इंडोगैमस ग्रुप कॉल्ड कास्ट, हजारों अंतर्विवाही या अर्ध अंतर्विवाही समूह जीने की जाति कहा जाता है, और वर्ण और द फोर फोल्ड फंक्शनल डिविजन ऑफ सोसाइटी, वर्ण या समाज के चार कार्यात्मक विभाजन। तो इस समस्या से निपटने के लिए तीन बातों को गांधी जी के द्वारा कहा गया है कि जो अस्पृश्यता है यानी कि अनटचेबिलिटी है इसको ख़त्म करना, अंतर्विवाही या अंध अंतर्विवाही समूह जिसे जाति कहा जाता है इसे ख़त्म करना, और वर्ण और समाज के जो चार कार्यात्मक विभाजन है इसके बारे में भी उन्होंने बात किया था। He regards untouchability as immoral and therefore in need of complete eradication, caste as unnecessary and undesirable. यानी कि गांधी जी जो थे वो अस्पृश्यता या untouchability को अनैतिक मानते थे और उन्होंने कहा कि ये एक अनैतिक चीज़ है और इसलिए इसकी पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता है, पूरी तरह से जो छुआछूत की व्यवस्था इसे खत्म करने की ज़रूरत है, और जाति जो व्यवस्था है ये पूरी तरह से अनावश्यक और अवांछनीय चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी untouchability was bigger evil than anything in this world and first to consider abolish this sinful activity. Gandhi also viewed that untouchables as an integral part of Hindu as a whole. Gandhi said to remove untouchability is a penance that cast Hindu out to Hinduism and to themselves. यानी कि गांधी जी जो थे ये अस्पृश्यता को, छुआछूत की व्यवस्था को पूरी तरह से अनैतिक मानते थे और इसलिए इन्होंने कहा था कि इसकी पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता है, जाति व्यवस्था ये पूरी तरह से अनावश्यक और अवांछनीय है, और गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि छुआछूत जो है इस दुनिया की
किसी भी चीज़ से सबसे बड़ी बुराई है और सबसे पहले इस गतिविधि को खत्म करने पर विचार किया जाना चाहिए। उनके अनुसार अछूतों को समग्र रूप से हिंदू के अभिन्न अंग के रूप में देखा गया। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता को दूर करना एक तपस्या है जो जाति हिंदू हिंदू धर्म और खुद के लिए है। गांधी बिलीव्ड दैट देयर इज़ नो इनसेपरेबल कनेक्शन बिटवीन अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम। अनटचेबिलिटी कैन बी इरेडिकेटेड विदाउट एबोलिशिंग कास्ट टूगेदर। गांधी जी का ये मानना था कि जो अस्पृश्यता है और जाति व्यवस्था है, इसके बीच कोई अविभाज्य संबंध नहीं है। जाति को एक साथ समाप्त किए बिना अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा सकता है। He argues in favor of abolition of multiplicity of caste and the reduction into the four varnas. यानी कि वह जातियों के बहुलता के उन्मूलन और उन्हें चार वर्णों में कम करने के पक्ष में तर्क देती थी। यानी कि बहुत सारी जो जातियां हैं, जातियों की जो बहुलता है, उसको ख़त्म करके जातियों को चार वर्ण में बांट दिया जाए। चार वर्णों के वो पक्ष में थे और उन्होंने कहा था कि जितनी भी जातियों की बहुलता है, बहुत सारे जाति हैं, उसको एक करके उसको खत्म करके चार वर्णों में विभाजित कर दिया जाए। अस्पृश्यता का उन्मूलन जाति व्यवस्था के इस प्रस्तावित सरलीकरण पर भी निर्भर नहीं है, पूरी तरह से इसके उन्मूलन की भी बात नहीं है। यानी कि जो अस्पृश्यता का उन्मूलन इनके द्वारा कहा गया था, ये पूरी तरह से इस प्रस्तावित जो सरलीकरण है, इस पर भी निर्भर नहीं है और इसके पूरी तरह से उन्मूलन की बात भी नहीं कही गई है। गांधी कंसिडर्ड अनटचेबिलिटी एज बाई प्रोडक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। इट इज़ रॉन्ग टू डिस्ट्रॉय कास्ट बिकॉज ऑफ द आउटकास्ट एज इट वुड बी टू डिस्ट्रॉय अ बॉडी बिकॉज ऑफ अगली ग्रोथ। गांधी जी जो थे वो छुआछूत को जाति व्यवस्था का उपोत्पाद मानते थे और इसलिए उन्होंने कहा था कि इनकी जाति जो है वो अगर बहिष्कृत हो जाती है तो उसे नष्ट करना गलत है। जाति भ्रष्ट होने के कारण, जाति बहिष्कृत होने के कारण उसे नष्ट करना गलत है, जैसे कि बदसूरत विकास के कारण शरीर को नष्ट करना। द कास्ट सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ हाई एंड लो सिंस इट इज़ एन अननेसेसरी आउटग्रोथ ऑफ द फोर वर्णस विच आर फंडामेंटल एंड एसेंशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। गांधी कंसिडर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कास्टेज टू बी अनडिजायरेबल एंड सुपर फ्लॉज। तो जाति व्यवस्था उच्च और निम्न विचार पर आधारित एक सामाजिक पदानुक्रम का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि ये चार वर्णों की ये एक अनावश्यक वृद्धि है जो एक समाज के संगठन के लिए मौलिक और आवश्यक है। गांधी जातियों की बहुलता को अवांछनीय और आवश्यक मानते हैं। तो मुख्य रूप से जाति व्यवस्था को लेकर गांधी जी के विचारों का निचोड़ क्या निकलता है कि जो भी जातियां हैं, बनाई गई हैं, बहुत सारी जातियों की बहुलता है, वो किस वजह से है? तो जो चार वर्ण हैं, इन्हीं को बढ़ा के अनावश्यक वृद्धि की गई है अलग अलग जातियों में। वो चार वर्ण जो थे गांधी जी के अगर विचारों में देखें तो वो चार वर्ण जो थे वो समाज के संगठन के लिए मौलिक और आवश्यक है, और उस मौलिक और आवश्यक होने के साथ साथ जो भी जाति हैं, इन चारों वर्णों से ही निकलकर बहुत सारी जातियां बन गई हैं। तो इसलिए उन्होंने जो कहा था गांधी जी ने कि जातियों की बहुलता को उन्होंने अवांछनीय और अनावश्यक माना था। उन्होंने कहा था कि जो जाति व्यवस्था है उसे खत्म करके समाज को चार वर्णों में ही विभाजित कर दिया जाना चाहिए और चार वर्णों को गांधी जी जो थे वो समाज के संगठन के लिए मौलिक और आवश्यक मानते थे। तो ये थे गांधी जी के विचार धर्म और जाति को लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गांधी जी के विचारों से संबंधित ये है, जाति और धर्म पर गांधी जी के क्या विचार थे। इसके अलावा भी अगर कोई भी पॉइंट्स आप अपना ऐड करना चाहते हैं या मुझे भी कुछ आप बताना चाहते हैं कि और भी इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।